उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शनिवार को अयोध्या के रुदौली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान श्रम मंत्री और स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव ने विभागीय अधिकारियों के साथ अमराई गांव में श्रम विभाग के निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा, योगी सरकार श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को लेकर सराहनीय कार्य कर रही है। 1,250 करोड़ के बजट से प्रदेश के सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, जिसके तहत अयोध्या के रुदौली विधानसभा की अमराई गांव में अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है, जो इसी साल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें आगामी शैक्षणिक सत्र में श्रमिकों के बच्चे प्रवेश ले सकेंगे। आपको बता दें, श्रम मंत्री ने आवासीय विद्यालय के निरीक्षण के बाद विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, जिसमें कार्यदायी संस्था को सख्त निर्देश देते हुए कहा, मानक के अनुरूप कार्य न होने पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कार्यदायी संस्था को दिसंबर 2022 तक अटल आवासीय विद्यालय श्रम विभाग को हैंड ओवर करने के निर्देश दिए हैं। हमारे श्रमिक का बच्चा कैसे समाज के मुख्य धारा से जुड़े, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आवे, कि बहुत बड़ी समस्या होती है। हमारा श्रमिक एक जगह रुक के काम करता नहीं और ना ही एक जगह उतना काम होता, एक जगह से दूसरे जगह जाना उसकी मजबूरी है और उसका असर, उसका दुष्प्रभाव अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है तो उनके बच्चों के ऊपर। उनकी इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला किया। अभी हर मंडल पर हम एक बना रहे हैं। 1,250 करोड़ की ये योजना है, जो मैं समझता हूँ कि श्रमिकों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उसको नवोदय के तर्ज पर संचालित करने का सरकार ने फैसला किया है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक पूरे देश के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार का है और ये प्रयास बहुत सार्थक सिद्ध हुआ।